सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। यह आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण पहले से है। EWS आरक्षण का फैसला आपके और आपके परिवार की वार्षिक आय पर निर्भर करता है। वार्षिक आय यानी एनुअल इनकम। इस आरक्षण का फायदा लेने के लिए परिवार की एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसमें सिर्फ सैलरी ही नहीं, कृषि व्यवसाय और अन्य पेशे से मिलने वाली जितनी भी आय है वह सब इसमें शामिल है। EWS आरक्षण के तहत किसी भी व्यक्ति के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी जरूरी है। इसके अलावा 200 वर्ग मीटर से अधिक का रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें द बेटर इंडिया हिंदी को।